राशन कार्ड के बारे में पूछना चाहेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम लोग बता रहे राशन कार्ड ज्यादातर लोगों के क्या 10 साल से मुखिया जी हैं, तो राशन कार्ड कब बना? नहीं बना है, इस बार सन्नी बाबू बनाया है। मुखिया पद पे नहीं था, फिर भी जो है मुखिया पद पर नहीं था। 100 का लमसम राशन कार्ड बना है। 300 सन्नी कौन है जिनकी मम्मी अभी यहाँ चुनाव लड़ रही है? हाँ, ढोलक साहब से जी। क्या बोले चाची की अगर हम लोग जीते हारे? हाँ, सन्नी बोलता है कि हम लोग जीते या नहीं जीते, जिनको जिनको नहीं है राशन कार्ड वो बनवा कर रहेंगे। इतना बनवा दिए, 3,000 बनवा दिए हैं राशन, 3,000 बनवा। हर कोटा में उतना चावल आया है ना, उतना चावल आया है, पक्की चावल आया है। ये हम लोग का 5 महीना से सारे जैसे कच्ची चावल मिलता है, क्या लोग मरेगा कि जिएगा? नमस्कार, पब्लिक वाणी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। पंचायत चुनाव को कवर कर रहे हैं हम, और उसी कड़ी में इस वक्त हम अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड स्थित हासा पंचायत पहुंचे हैं। मेरे साथ यहां पर लोग हैं बातचीत करने के लिए। शुरुआत में तो ये बातचीत करने से हिचक रहे थे, लेकिन अब जो है इन लोगों ने बोला है कि नहीं, हम खुलकर आपसे बात करेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है समस्याएं अगर जनप्रतिनिधि से हैं तो लोगों को खुलकर उसके बारे में बात करना ज़रूरी है, तभी जाकर जो है उनके हितों की रक्षा हो पाएगी और उनके जो डिमांड्स हैं वो पूरे हो पाएंगे। सबसे पहले चाची आप ही से शुरुआत करेंगे हम, क्योंकि महिलाओं की जो भूमिका होती है, जो महिला सब जो है छे, आसान भाषा में बात करें चंद्रा से, जो महिला सब है छे, ओकर सबके बहुत बड़ा रोल है छे चुनाव सब में। तू सब घर में रहे छे, पुरुष तो बाहर रहे छे, तो तोरे से हमरा सब पूछना चाहबन कि दिक्कत कितना है छा घर में शौचालय बनल छन शुरुआत एते से? लेट्रिन रूम बनल छन? हाँ ठीक छे, आबन जे चाचा, उज्ज्वला योजना में जना अभी गैस मटे रहे सरकार से, तो गैस चूल्हा भेटलन या? राशन कार्ड बनल छे चाची? राशन कार्ड बनल, राशन कार्ड बनल छे। कहिया बनल राशन कार्ड? हमर राशन कार्ड बहुत दिन बनल, बहुत दिन बनल। हमरा रु राशन कार्ड जे पहले बनले रहे, तो हमरा रु 7 आदमी छिये, 7 आदमी, हमरा 3 आदमी राशन कार्ड बनल छे, 4 आदमी राशन कार्ड छोड़ जे कि अभी हमरा रु लड़का जवान भेले शादी करे वाला छे, फिर भी राशन कार्ड नहीं बना रहल। इनका कोई सुनवाइए नहीं छे, राशन आनै छे तो राशन में 2 किलो कटौती मांगे छे, तैंट कटके आबू छन। राशन कार्ड हमें के बाद अगर तू सब राशन ले में ले जाए छ, तो राशन में कटौती है? हाँ, 2 किलो राशन कटौती है जी। हाँ, की नाम की छियन चाची? ना चाची ने कहा, तू दीदी छ, नाम की छियन? आवा नाम की छियन? आवा आवा खुल के बाजो नाम की छियन। मनीष थोड़ा अच्छे से कवर कीजिए, नाम बताब। जुलसा खातून। अच्छा, की तो तू कहला कि राशन जे छे ओ समस्या की कर, अभी तू बात कर रहा? चरवा चर द द छ आवे छ उसना चर द चरवा छ। अच्छा, 7 आदमी में 3 आदमी राशन दे छी। अच्छा, बाथरूम बन लिए 3 साल भए गेले, टका लगा कखनी तो 1 टका घुस लिए। अच्छा, मतलब बाथरूम बन गेले लेकिन जियो टैगिंग के बाद पैसा नहीं घुसन अकाउंट में? इंदिरा आवास उठलिए, 15,000 देली तब इंदिरा आवास पास कैलकी। आवास योजना में ककरा देला पैसा? सहायक क देलिए, ककरा देलिए जे आवास सहायक है ओकरा देला पैसा? ओकरा देलिए पैसा तब इंदिरा आवास घुसलकी। जे जनप्रतिनिधि जे मुखिया जी सब छन ओकर सब लगी शिकायत लाके गेल? मुखिया हम कौन शिकायत लाके, जब सहायक के द्वार पर सा शुल्क ले आछ। अच्छा, तो अभी जो हमने इनसे बातचीत की, पहले आपको वो समझा देते हैं, हमने इनसे आम भाषा में बात की, जो यहाँ की बोलचाल की भाषा है। इनसे बातचीत के दौरान अभी जो एक चाची थी वो कह रही थी कि उनके पास राशन कार्ड तो बना हुआ है, लेकिन राशन कार्ड में दिक्कत ये है कि 7 लोगों के नाम पर राशन कार्ड बना हुआ है, लेकिन सिर्फ 3 लोगों का राशन मिलता है। और उस 3 लोगों का राशन में भी जब वो लोग राशन कार्ड के साथ कोटा जाते हैं राशन लेने के लिए, तो वहाँ पर 2 किलो हो या 3 किलो हो, मनमानी होती है डीलर की, वो राशन काट लिया जाता है। अभी जो दीदी थी ये कह रही थी कि पक्की चावल की जगह कच्ची चावल मिल रही है, और एक और चीज़ उन्होंने बहुत साफ साफ स्पष्ट बताया कि आवास योजना के नाम पर आज जो है, समझिए एक चीज़, आज अभी इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस पंचायत में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में 75,000 परिवार को जो है वो घर दे रहे हैं, घर की चाबी दे रहे हैं, उसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम भी हो रहा है, आप बड़े बड़े टेलीविज़न स्क्रीन्स पर उस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। यहाँ पर जो है ज़मीनी हकीकत ये है कि पीएम आवास योजना के नाम पर हर घर से 10,000 से 15,000 रुपए तक का घूस लिया जाता है, उसके बाद उनको आवास योजना का लाभ मिलता है। उसमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं, जो कि पैसा देने में अक्षम रहते हैं। राशन कार्ड को लेकर इन्होंने बताया कि राशन कार्ड इनका, बहुत से लोगों का हम सब बात कर रहे थे तो उनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ था। राशन कार्ड कितने समय पहले बना है? यहाँ पर एक दीदी थी बात कर रही थी। हाँ ठीक है, हाँ सुनिए क्या क्या कहना चाह रहे हैं चाचा आप? मतलब यह जो है 42 रुपये राशन का कीमत बनता है। अच्छा, उसमें से मतलब 80 रुपये क्यों ले रहा है डीलर?
बयालीस रुपए केजी के हिसाब? नहीं बयालीस नहीं, मतलब 72 रुपए का। अच्छा आपका 72 रुपए का हिसाब होना चाहिए राशन का। वो कितना लिया, कितना जा रहा है? 80 रुपए। 80 रुपए, 8 रुपए बढ़ा के लिए जा रहा है। हर हर आदमी से, मतलब हमारे घर में 5 आदमी का जो है, 3 बच्चे 2 हम लोग हैं। अच्छा हाँ। उसमें मतलब 80 रुपये ले रहा है। एक बार मैं इस बात का रिपीट भी किया मुखिया जी को लेकर, हाँ। तो एक बार क्या किया, फिर 5 रुपये हमें वापस कर दिया। अच्छा। और उसके बाद कह रहा नहीं 5 रुपये नहीं मिलेगा। 25 किलो राशन हमको पहले मिलता था, हाँ। मतलब अभी ये कोरोना वायरस को लेकर मतलब 50 किलो राशन मिलता है, 50 किलो में 2 किलो राशन काट लेता है, राशन काट लेता है डीलर। हाँ इसको लेकर, अच्छा इसको लेकर जो है आप लोग सब कोई मिलके मुखिया जी के पास या डीलर के पास कि आप क्यों काटते हैं राशन, इसको लेकर कभी कहे? मुखिया जी को भी बोला गया है लेकिन मुखिया जी इस बात का कोई कानपात नहीं दिया। अभी जो आपके मुखिया हैं, जैसा हमें मालूम चला यहाँ आने से पहले, हाँ। निवर्तमान मुखिया यहाँ पर पिछले 10 साल से कार्यरत है ना, हाँ। तो 10 साल में तो इस पूरे पंचायत की तस्वीर बदल जानी चाहिए थी। अक्सर तो यही होता है, 10 साल में तो पंचायत की तस्वीर बदल जानी चाहिए थी, तो लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मान के चलिए कि जैसे कि जो बोलता है कि नहीं जाइए, अब ब्लॉक से मनवा कलेक्टर बना ले आइए, कि मतलब हम लोग अभी कोई काम, छोटा आदमी हम लोग, मजदूर आदमी है, कोई चीज लेकर जाते हैं ब्लॉक, तो वहाँ पर कल आना परसों आना, मतलब दौड़ते दौड़ते हम लोग का पांव थक जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है वहाँ। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं होती है। अब आप देखिए, मजदूरी छोड़कर, हाँ। मानते आज हम मजदूरी करने नहीं जाएंगे, हाँ। तो कल हमारा बीवी बच्चे भूखे मरेंगे, मरेंगे। तो हम लोग कितने दौड़ेंगे ब्लॉक? और दूसरी बात, यदि किसी दलाल को कहते हैं तो सीधा पहले 1000 या 1500 2000 का बात करता है, ले भी लेता है उसकी, तब भी काम नहीं करता है, काम नहीं करता, काम कर लेते वो भी। हो राशन कार्ड के बारे में पूछना चाहेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम लोग बता रहे हैं राशन कार्ड, ज्यादातर लोगों का क्या, 10 साल से मुखिया जी हैं तो राशन कार्ड कब बना? नहीं बना है, इस बार सन्नी बाबू बनाया है, जो कि मुखिया पद पे नहीं था, फिर भी जो मुखिया पद पर नहीं था, 100 का लमसम राशन कार्ड बना, 300 सन्नी कौन है जिनकी मम्मी अभी यहाँ चुनाव लड़ रही है? हाँ ढोलक साहब से, जी जी अनिता, ढोलक साहब। अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा महिलाओं के पास आते हैं हम वापस। हाँ, 2 महीना पहले मिला है राशन कार्ड, 2 महीना पहले मिला है सन्नी झा दिया बना के, यानी कि जो अभी मुखिया के प्रत्याशी हैं उनके पुत्र जो सुपुत्र जो है उन्होंने वही मिला। अच्छा राशन कार्ड, आपको अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला हुआ है ना? नहीं राशन कार्ड बचा है ना। अच्छा अरे लेकिन हम क्या बोले हैं, वो बोला, हाँ। कि अगर हम जीत गए हार गए तब भी हम बना कर देंगे, सन्नी सन्नी बोला नीता जा। अच्छा वो क्या बोले चाची, कि अगर हम लोग जीते हारे फिर, हाँ सन्नी बोलता है कि हम लोग जीते या नहीं जीते, हाँ। जिनको जिनको नहीं है राशन कार्ड वो बनवा कर रहेंगे, इतना बनवा दिए 3000 बनवा दिए हैं अभी राशन, 3000 बनवा लगे, 3000 के आसपास राशन कार्ड जो है जो अभी मुखिया के पद पे चुनाव लड़ेंगे वो बना के आप लोग को दिए हैं? मुखिया जी राशन कार्ड नहीं दिए 10 साल में? नहीं जी नहीं जी नहीं जी। 10 किलो अनाज लिए या 15 किलो अनाज लिए, वो में भी 2 किलो काटता है अनाज राशन में, अगर 10 किलो मिल रहा है तो वहाँ 8 किलो मिलता है, 8 किलो मिलता है, 10 किलो मिल रहा है फिर 8 किलो, 8 किलो मिल रहा है, 2 किलो कट जाता है, किसका पास फरियाद लेके जाए सुनने वाला? आपका इतना ही उनूट मिलेगा, इससे तूफान मचा देता है, झागो यहाँ से निकलो, तो गर्दनिया मार के बला देगा, बला देगा। आप देखिए, आप जितना भी, आप जो भी पंचायत घूमिए, इससे पहले हम आपको याद होगा भरगामा पंचायत में जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वार्ड नंबर 7 था, मानुल्हा पट्टी में गए थे, वहाँ पर भी यही समस्या थी। राशन कार्ड तो ज़्यादातर लोगों के पास है नहीं, सबसे पहली बात। यहाँ के लोगों के एक चीज़ यहाँ पर अच्छी लगी कि जो इस वक्त मुखिया पद की प्रत्याशी है नीता झा, इन लोगों का कहना है कि उनके जो पुत्र है सुपुत्र है उन्होंने अभी हाल के कुछ समय पहले जो है ज़्यादातर लोगों के राशन कार्ड बना के दिए अपने अप्रोच अपने खर्चे पर, लेकिन जिनका, हाँ, और पैसा आप लोग से नहीं लिया, पैसा ये और ठंडी ने लिया, सब चाहता है उनको वोट देंगे सन्नी को, कहता है कि हमको जिता दीजिए बस हो गया, टका 8 आना लेंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद देखिए, भले वो जो है राशन कार्ड बना के दे दे, लेकिन डीलर की मनमानी पर रोक अब तक नहीं लगी है। जिनके पास राशन कार्ड है वो जब राशन लेने के लिए जाते हैं, अगर 10 किलो अनाज की बात है तो उनको 8 किलो ही मिलता है। और आप इसके मामला में कंप्लेन भी जाता है, हाँ।
तो कोई आता है 50,000-25,000 रुपया धरा दिया, वो भी चला जाता है घर घूम के, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होता है। मतलब मजदूर का कोई सुनवाई ब्लॉक में नहीं है। अररिया गए, अररिया रानीगंज जाइए, अधिकारी अधिकारी सब भी कोई सुनवाई नहीं दे रहे। आप दिए यहाँ वो कचरा का जाइए कर देंगे, बस कचरा के डब्बा में चला जाता है। आगे से अगर अररिया के लाल ने किया कमाल या किसी भी जिले के लाल ने किया कमाल, चाहे वो BDO बने, SDO बने, SDPO बने, IS बने, IPS बने, हकीकत क्या होती है जमीन पर वो देख लीजिए। अधिकारी जब अधिकारी बन जाते हैं, गौरतलब यह है, ये है और हास्यास्पद भी है कि गरीबी रेखा से निकलने के बाद अगर कोई अधिकारी बनता है सबसे ज्यादा मार गरीबों को ही देता है। ये बड़ा हास्यास्पद है और बहुत विडंबना है हमारे समाज की। आप देखिए राशन के नाम पर, राशन के नाम पर ज्यादातर लूट जो है इन्हीं गरीब लोगों से की जाती है, और जो अधिकारी होते हैं, BDO होते हैं, चाहे CEO हो, जो भी हो, उनके तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है। 1,000 खर्चा अररिया में कल के की राशन कार्ड बना बना देवे, मगर वह की राशन कार्ड बना के नहीं दिल्के। धनबा कही सनी झा कि गरीब लोग का ही राशन बना दिल्के, 4 महीना से गरीब लोग राशन उठा के खा रहे हैं। 4 महीना हमारा सब विधवा लोग यही 4 महीना से राशन खा रहे हैं, वो भी सन्नी झा जो कि मुखिया प्रत्याशी के पुत्र हैं, उन्होंने बना के दिया तब खा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, हर कोटा में उतना चावल आया है ना, उतना चावल आया है, पक्की चावल आया है। ये हम लोग का 5 महीना से सारे जैसे कच्ची चावल मिलता है, क्या लोग मरेगा कि जिएगा? हम लोग को पक्की चावल नहीं देता है, कच्ची चावल देता है। तो यहाँ के लोगों से बात करने में मुख्यतः हमें 2 चीजें मालूम चली है। एक की राशन कार्ड की व्यवस्था इनके पास, जो यहाँ के निवर्तमान मुखिया रहे 10 साल तक, उनके तरफ से नहीं की गई। पिछले कुछ महीने पहले, 4 से 5 महीने पहले, जो अभी प्रतिद्वंदी हैं उस निवर्तमान मुखिया के, श्रीमती नीता झा, उनके पुत्र द्वारा जो है इनको राशन कार्ड मुहैया कराया गया। लेकिन मुहैया तो करा दिया गया और उस राशन कार्ड के साथ जब ये लोग कोटा जाते हैं तो डीलर के तरफ से मिलना चाहिए पक्की चावल ना, उसना चावल मिलना चाहिए पक्की चावल, लेकिन मिलता है कच्ची चावल जो कि अरबा चावल है। ये अररिया जिला का रानीगंज प्रखंड हांसा पंचायत, योजना इतनी सफल हुई है और जनप्रतिनिधि सफल बनाने में कितना काम किए हैं ये आपने देख लिया। अररिया के रानीगंज प्रखंड के हांसा पंचायत से भारत सूरज, पब्लिक वाणी के लिए।